हेलो एवरीवन, रिसेंटली ही मैंने अपने कर्टेंस में कुछ बैक टाइज लगाई थी, कर्टेन बैक टाइज। एंड ये आप बहुत इजीली घर में बना सकते हैं। जी, बेसिकली टेसल्स वगैरह आप मार्केट से ले सकते हैं और मार्केट से लाकर इन्हें लगा सकते हैं। मेरे पास एक बैग था, उस बैग के हैंडल्स भी बहुत सारे, स्ट्रिंग्स एंड ये सब मुझे मटेरियल उसमें से मिला। अब मैं वो बैग यूज़ नहीं करती थी, तो मैंने उसका यूज़ एज इन बैग टाई बनाने के लिए किया। एंड ये मैंने अपने कर्टेंस में बैग टाई लगाई है। सो बहुत ईजी है और क्विक है। अगर मैं आपको पूरे कर्टेंस का प्रीव्यू दिखाती हूँ तो बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं। नॉर्मल मैंने बीड्स यूज़ कर लगाए हैं। इसके अलावा मैंने इसमें और कुछ नहीं लगाया है। मेरे जितने भी बैक टाइज आप देखेंगे, एक अपने बैग की स्ट्रिंग से ही ये सारे बैक टाइज बनाए हैं। सो मैं आपको इसका प्रोसीजर बताती हूँ, इट्स वेरी ईजी। टेसल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 1 नीडल एंड नॉर्मल मैंने थ्रेड था तो उसकी लेयर्स मैंने ऐड ऑन करके तैयार रेडी किया है। अब मैं इसे नीडल में डाल रही हूँ। लास्ट में मैंने एक नॉट लगा लिया है। नॉट लगाने के लिए मैंने थोड़ा मोटा नॉट रखा है क्योंकि जो मैं बटन के लिए यूज़ कर रही हूँ वो एक बड़ा बीड है एंड उसके होल्स काफ़ी वाइड हैं, तो इसको सपोर्ट करने के लिए मुझे बड़ा नॉट चाहिए था। तो हम इसमें से वापस जाएंगे टू सिक्योर इट टाइट। अगर आप चाहें तो 2-3 से 4 बार कर सकते हैं इसे। घर में मेरे पास ऑलरेडी कुछ बीड्स पड़े थे सो इनकी हेल्प से मैं अब इसको बनाना शुरू करती हूँ। मैं एक पैटर्न सोच के रखा है, उसी को फॉलो करूँगी। मेरा टेसल के लिए रेडी हो चुका है। लास्ट में मैं अब इस वाले बीड में से फिर से थ्रेड को एक बार और पास ऑन करूँगी ताकि ये थ्रेड यहाँ पर, बीड यहाँ पर सिक्योर हो जाए। 2 से 3 बार सेम मैं यही प्रोसीजर फॉलो करूँगी जो मैंने इस बीड के लिए फॉलो किया था, ताकि ये बीड यहाँ पर एकदम सिक्योर हो जाए। अभी बीड यहाँ सिक्योर हो गया है। यहाँ पे मैं एक लूप लगा दूँगी जिससे कि हम इसको इस तरह से इसके अंदर नॉट कर सकें। इस तरह से मेरे पास एक मैक्रमे का थ्रेड था, उससे मैंने सिर्फ एक टाई करके नॉट बनाया है ताकि मैं इसको यहाँ पर फिक्स कर सकूँ इस एंड पर और हम इस नॉट को इस बीड में से पास कर सकें। ये नॉट मैंने टेसल की हेल्प से प्रिपेयर किया है, सिर्फ इसको राउंड करके नॉट लगाया और यहाँ लास्ट में लाके 3 नॉट एक्स्ट्रा लगा दिए ताकि ये टाइट हो जाए। ये मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से टाई कर दिया है एंड अब ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है मैं ये सब रिमूव कर दूँगी और ये इस तरह से इसमें से पास हो जाएगा और आपका कर्टेन को होल्ड कर लेगा। अब बचता है हमारे पास हमारा लूप एंड नॉट। आप इसमें से इसे पास ऑन करेंगे। लूप मैंने थोड़ा छोटा ही रखा है, जो इजीली पास नहीं हो रहा था, तो अब मैंने इसको रेडी कर दिया है और इसे मैं कर्टेन में लगा दूँगी। ये मेरा फ्रंट पोर्शन रहेगा और ये मेरा बैक पोर्शन रहेगा।
जब भी आप ये अपने बैक टाइज बनाते हैं सो ऐसे ही कुछ डिफरेंट मटेरियल्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर के बैक कर्टेन बैक टाइज बनाने के लिए। बनाकर आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा और आपके घर में जो कर्टेन्स हैं उनसे आप कैसे बैक टाइज लगा पाए। तो आप भी ऐसे कुछ डेकोरेटिव से कर्टेन बैक टाइज बनाइए एंड अपने कर्टेन्स में बैक टाइज लगाइए। और अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो सो प्लीज़ आप भी इसको फॉलो करें एंड अपने कर्टन्स के लिए इस तरह के कुछ बैक टाइज बनाएं। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन से बैक टाइज बनाए हैं जब भी आप इस वीडियो को देखने के बाद बनाते हैं। तो अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इन बैक टाइज को बना सकें और अपने घर को और ब्यूटीफुल और डेकोरेटिव बना सकें। थैंक यू वेरी मच।